बोलिए जय वीर महाराज की। हाँ तो प्यारे सजनों, माता बात्सल को गोगो जी महाराज कहने लगे, हे माता लेते मैंने रणगी बात साथी साथी बताऊं सो ध्यान दे के सुने। तो किन प्रकार से गोगो जी महाराज बताओ यार, के प्रकार से अपनी राम सभा बताइए भाई। अब बता दे जो टेमी को लगा उन्हीं बोखली चिड़ा कौन सा भाई पहले पहले बता दे बेटा, बातें बता दे मेरा लाहडला रे। हाँ लाडे तेरे मेरा रणगीर बात है बेटा, वो रे आहो थाड़े से ल्यावो माता।
सुनो, माता बाथल थाड़ लेके आई, थाड़ ले गए और थाड़ गए मैंने श्री गोगे जी महाराज, जोड़ा का दोनों को शीश राख दिया। जकी टेम ने जोड़ा मोसी बाथल ने देख के दोनों भाई खड़ खड़ हंसया, हंस के आंखे मैंने थोड़ो थोड़ो नीर आया, दोनों कमला गया खाते फूल जो। प्रेमी सजनो, माता बाथल जोड़ा को शीश को देखे कायर होगी, माता कड़पन लागी, अरे रोन लागी, माता कड़पन लागी, वाह रो रो गए रुद ने। माता बाथल कहने लागी, हे गोगा ते बहुत जुल्म क्यों है, ये भैया तेरा मोसी का जाया अन ते क्यों मारिया, तू तेरे ही बसने खपा गयो है और आगे मन नहीं और कहे भी तुम माता मन पानी पिला जाओ, 12 साल के लिए तेरे को वनवास है, काला घोड़ा और काला वस्त्र ले लो और 12 साल कदली बिन में चले जाओ। आवे प्यारे सजनों, श्री गोगो जी महाराज बठू वापिस गिर जावे 12 साल बन में, चलते चलते समय रानी सरियल कहने लगी, महाराज आप तो बन में जाओ, मैं भी थर साथ चालू। बोलो नहीं, मेरे साथ मन ना जाओ। बोले तो मैं अटके करू, देखो मेरी बात सुनो, माता क्यों मुंह नहीं दिखा, तो इनी वास्ते माता खने तो मैं प्रवेश हूं को नहीं, और तेरे खने 2-4 दिन गेड़ो जरूर ही मारूंगा। तेरे सुजनो, आप तुम्हें वातावरण बंद कर लिया और श्री गोगो जी महाराज वहां से रवाना हो गया। चलते समय की बात है सजनो, करीबन 12 महीना यानी 2 साल व्यतीत हो गया गोगो जी महाराज ने बन से बन में गए ने। जिन टाइम की कथा है कवि वर्णन बतावे है, जवाही तीज थी और भी तीज को बाग के माई ने हिंदो मंडायो और काथल और बाथल दोनों भेना बाग में हिंडे और भेना भेना दोनों आपस में हाथ मिले, भेना भेना का मिलन हुआ है तो आपस में दोनों रोने लगी, वो कैसे रोए तो आगे की कथा सुनो सुनाइए भाई। आका थले बाथले दे दोनों बेना
ठाकुर वात्सल भागंग मैंने हिंडन लाग रही कवि वर्णन बतावे काथल वात्सल दोनों भेनड़ी वे कुरंजा दाई करड़ाई दोनों भेना दोनों रोंती रोंती कई सब जनी आ गई हिंडन ने आपने यहां काम करो रानी सरियल ने बुलाओ तो सजना एक बांदी जानती दो जाओ दो जानती जाओ पूरी जागे दबा दो रानी सरियल ने बुला के जाओ तो रानी सरियल बाड़ा बाड़ा में मोती पोया है थोड़ा श्रृंगार सजा है माथे बंदली बिंदली लगा गे अचित्रिया हार श्रृंगार कर गे हाथ से हेलिया रो झूल रो बारण वाले हिंडने जावे बाग मायने हिंडन जावे तो बाग रे मायने सहेलिया यानी बाथल सासू और काथल मोसी सासू अबड़ा बोल बोलन लागी किन प्रकार से सजनो बाथल कहने लगी हे रानी सरियल मेरे गोगे ने तो कई भोई बीत गया और तय वो श्रृंगार की प्रक्रिया है की बात को माने पूरो पूरो नॉलेज दे रानी सरियल कहने लगी श्रृंगार की प्रक्रिया है सासू आई कोई बात है थारे बावे तो कई भो बीत गया बट मारे बावे तो जुआनी है मैं नहीं मानू बोले कौन मानो बोले है नहीं मानो तो मैं आंखें दिखा दू फिर बोले आंखें दिखा दू फिर मान लेती हूँ समय की बात है सजनो रानी सरियल कहने लगी आपकी माता ने हे सासू आज थे यहाँ काम करया वीर गोगो जी महाराज आती और मैं थाने आंखें दिखा दू फिर तो मैंने इन प्रकार का मेणा कौन बोलोगे नहीं सर बोले फिर कौन बोला तो सजना समय की बात ही श्री गोगो जी महाराज शाम की टेम में आया और वीनू धीरे सी रानी सरियल गागी माता ने क्यों माता वात्सल अभी देख लो गोगो जी महाराज पिलेंगे ऊपर बैठे और वीनू जागे सरियल आपकी सासू बुला ले आई तो माता वात्सल आगे गोगो जी महाराज ने कहने लगी हे गोगा मैं लाड लड़ायो बेटा गोद खिलायो तन दोरो घणो पाड़ियो और आज तू मेरू प्यारी तेरी अस्त्री जी को बिंगखने तो तू मिलन ना आवे और मैंने तू कभी मुंह ही कौन दिखावे गोगो जी महाराज के मन में बड़ो दुख उपड़ियो बोले माता 12 साल को बनवास दियो पहली आपा मुंह दिखा दियो तीन वास्ते आपने मरनो अच्छो तो श्री गोगो जी महाराज बैठू धक्का निचर जावे धक्का निचरिया तो माता वात्सल लारे भाजी रानी सरियल लारे भाजी जहर वीर गोगो जी गुरु गोरख के पास गया गोरख ने कहो महाराज माने को इसी जगह लको ताकि मेरी माता वात्सल ना देख सके आवे सजनो बाबो गोरखनाथ जी कहने लगा मेरे खने कोई उपाय नहीं है तो यहाँ कर भाई मक्के जाओ हद कर गया हो यार नाम लेना जरूरी है मक्के तो धरती बराड़ दे देगी तो बैठे आप ग्राहक आप हो जाओ तो प्यारे सजना श्री गोगो जी महाराज मक्के गया हज कर गया आया और गोरख टीले से करीबन 3 किलोमीटर बाबा गोरखनाथ से आशीर्वाद ले गए और धरती के मायने ग्राहक आप हो जाओ बोलिए सूरवीर महाराज की और बिनु माता वात्सल और रानी सरियल कड़पती फिरे गोगो जी महाराज का दर्शन हुआ नहीं समय की बात ही एक दिन के समय गाया चरण लाग रही गाय चरण लाग रही तो गाया चरती घूमती फिरती वही गोरख किले के पास नजदीक चली गई तो बांगे एक श्यामे नामे पाड़ी रा खेड़ो तो गाया चराव हो तो बिने गाया एकदम चमकी तो गाया चमकने पर भी निगे मारी बोले के बात है तो श्री जाहिर वीर महाराज आप घोड़े असार होड़ा थोड़ो सो मुंह बाहर निकालियो धरती से और गाय का दूध चूंगने लग गया तो पाड़ी हो जो बैठा रोन लागो और भाज तो कूक तो करना तो आपकी माँ ने जा रहे ने किन प्रकार से के वे और किन प्रकार माता पूछे तो आगे की कथा सुनो सुनाइए भाई श्री भवानी के गवड़ी पूछे गवड़िया गवड़ी पूछे गवड़िया तो कौन भले राधे संपत्ति होवे तो घर भला तो नहीं भला परदेश
सजनो, साड़ी एकदम गाया चिमकी तो भाज गए माता बाथल ने आवाज लगावे। माता बाथल दौड़ के आई, अरे रोवण लाग्यो रे पाड़ी, कड़पन लाग्यो, रो रो रुद ने मचाए। माता बाथल कहे, किण तने मारियो बेटा, किण तने कूट्यो, किण दिनी मुकड़े से हे बेटा, क्यों रोए तू, बात की है? माता, बात इन प्रकार की है, मैं आज बन गए मायने गायन चराण लाग रही हो, तो गाया चराण लाग रही हो तो गाया को मन समा रहा क्यों, आज गाया एकदम चमकी। गाया चमकने पर मैं सोचियो कि की बात है यार, तो जहर जी गोगो जी महाराज ने मैं देखे आंखे, बोले कूड़ी बात है, बोले नहीं माता, लीले घोड़े की माता मैं तो सूं पिछाण ली, यानी लूम पिछाण ली, और भाले की फड़ी मैं पिछाण ली थी, गोगो जी उड़िया रहे रो पतो लाग गयो। मैंने कहा है गोगो जी महाराज, माता है गोगो जी, अरे चाल तन बता दू ऐज की जाग्या। माता वात्सल पाड़ी ने धीरे चीख समझाने लगी, हे बेटा बात नहीं करी कि नहीं भलो, जे रानी सरियल सुन ली तो आपने मुश्किल हो जेली। तो माता वात्सल किन प्रकार से पाड़ी गए श्यामे ने समझ आवे, और के रानी सरियल ऊंची बैठी तो काना में भणकार पड़ जावे। पावेली तो भाई धरे कारवाला।
गोरखनाथ बाबे की। प्रेमी सज्जनों, ये कथा जो आप सुन रहे हैं श्री भवानी रिकॉर्डिंग कंपनी की ओर से